अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग जो है वो डिपेंड कर रहा है हमारा इंडस्ट्री टूर पे, जो कि कल है। बेसिकली होंडा एटलस की कंपनी में एक दिन पहले वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आज अभी रात के 12 बज गए हैं और हमें अव्वल तो नींद नहीं आ रही, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी हो रही है कि उधर क्या होगा, कैसे हम मतलब क्या एक्सप्लोर करेंगे। और एक मेरा दोस्त है, उसका अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा क्लैश पड़ रहा है एक और सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि अभी हमने सप्लाई चेन के सब्जेक्ट के लिए इंडस्ट्री टूर करना है, तो उसका एक और सब्जेक्ट है, उसकी ही कल प्रेजेंटेशन है। और अभी रात के 12-1 बज रहे हैं और वो भाई अभी पढ़ रहा है, और मैं उसके लिए बहुत ही मतलब आई एम फीलिंग सैड फॉर हिम। हाँ जी, तो ये है हमारे फैसल भाई, अभी वो तैयारी कर रहे हैं, रात के 12-1 बज गए हैं कल, क्योंकि इंडस्ट्री टूर करना है और हाँ जी वापस भैया, आके क्या इसने चाल है। देना है अपनी प्रेजेंटेशन बस इंडस्ट्री टूर भाई, से। ना पूछो यार, पढ़ने दो, बहुत बुरे हालात है यार इधर। और ये भाई हमारा एक और रूममेट है, वो सोया हुआ है, उसको ना अपनी दुनिया से कोई फाका है ना आखरत से कोई फाका है। जी अभी रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं हम UMT की पार्किंग में जा रहे हैं, उधर से UMT की बस में जाना है बैठ के, और होंडा एटलस पहुंचेंगे। अभी जाके आपको दिखाते हैं UMT की पार्किंग कैसी है। जी ये है UMT की बस जिसमें हमने आज सफ़र किया है। इस बाइक को तो देखो, जैसे ये मलीमे पे जा रहा है, इंडस्ट्री टूर पहले जा रहा है, मलीमे पे जा रहा ये। इधर से हम गए थे होंडा के हाल में और उधर उन्होंने हमें रिफ्रेशमेंट दी, बहुत अच्छा फील हुआ। और ये कैब मिली हमें सुवेनियर के तौर पे। अभी हमें मोबाइल वापस मिला है, उन्होंने मोबाइल ले लिया था वापस हमसे, उन्होंने रखवाया था ताकि फॉर सिक्योरिटी फॉर सेफ्टी रीजंस, फॉर क्योंकि वो कहते हैं कि उनके वो जो प्रोसेस हैं वो बहुत कॉन्फिडेंशियल हैं, तो वो किसी को वो शो नहीं करवाना चाहते थे। वो कैमरा, उन्होंने कैमरा सब से ले लिए, मोबाइल सब से ले लिए, तो इस वजह से अभी मैं दोबारा मोबाइल पकड़ा है, तो आपसे थोड़ी सी बातचीत कर रहा हूँ। थोड़ा सा अभी वापस जा रहे हैं हम, तो थोड़ा सा प्लांट दिखा देता हूँ उनका। ये हैं प्लांट्स और ये हैं हमारे फैसल भाई, ये है हुज़ैफ़ा हसन, और एक और हमारा वो जा रहा है हुज़ैफ़ा उस्मान। अरे हुज़ैफ़ा भाई इधर आओ, आप अपने व्यूज़ बताएं ज़रा, थोड़ा सा कैसा रहा है आज का जो हमने इंडस्ट्री टूर किया वो कैसा रहा है। इंडस्ट्री टूर अच्छा था, लेकिन कोई खास मज़ा नहीं आया, यानी जिस तरह आना चाहिए था। उन्होंने बहुत भाई अच्छे मजा, तरीके से एक हमें मिनट ट्रीट नहीं किया, भाई मजा, यानी सर को हमारे साथ ही बिठा दिया, हालांकि सामने वाली चेयर पे होना चाहिए था। जो यानी छोटे मुलाजमीन थे वो सर सामने बैठे रहते, यानी सर 17 ग्रेड के टीचर हैं, इट्स नॉट फेयर। भाई आपको कैसा लगा है। यार बेसिकली लास्ट टाइम जो हुआ था ना, उन्होंने मजदूरों वाली रोटी खिला के मैस में से भेज दिया था, उससे बेहतर था। लेकिन अगर ये अपना जो सूविनियर दिया है ना इनको, इसकी क्वालिटी बेहतर कर लें अपनी गाड़ियों की तरह, तो और बेहतर हो जाएगा। ये अभी वापस जाने लगे हैं, UMT की बस है, देख ले।
ये अभी हमारे साथ हैं UMT के फेमस टीचर प्रोफेसर हमारे सर आशिर, उनसे पूछते हैं उनके क्या व्यूज़ रहे हैं आज के टूर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अशर रामेश है और मैं MBA को सप्लाई चेन का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। इस सेमेस्टर में तकरीबन अब तक 12 सेशंस जो हैं वो मैं कवर कर चुका हूँ सप्लाई चेन के। तो प्लान ये किया कि क्यों ना स्टूडेंट्स को हम इंडस्ट्री ले जाएं और वहाँ जाकर उनको दिखाएं कि इंडस्ट्री का जो रियल टाइम इन्वायरमेंट है उसमें जो प्रोसेसेस हैं वो कैसे चलते हैं। तो इसके लिए हमने इंतखाब किया होंडा एटलस कार्स प्राइवेट लिमिटेड का, जो कि मांगा मंडी से थोड़ा आगे मुल्तान रोड 43 किलोमीटर्स पर वाके है। तो सुबह तकरीबन 8:30 बजे हमारा ट्रिप यहाँ से रवाना हुआ। UMT की बस पे हम लोग गए और जब वहाँ पहुँचे तो तकरीबन 9:45 हुए थे। हमने कुछ देर बाहर वेट किया, उसके बाद फिर हम अंदर गए तो वहाँ पे हमें होंडा एटलस कार्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने तकरीबन कोई 20 मिनट की प्रेजेंटेशन दी, जिसमें उन्होंने होंडा एटलस कार्स के बारे में ब्रॉड इंटरव्यू दिया। और इस दौरान हमने रिफ़्रेशमेंट्स ली, चाय वगैरह बिस्किट्स वगैरह वगैरह सर्व किए हमें, जो कि बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी लगी हमें। उसके बाद उन्होंने पूरी कंपनी का हमें एक विज़िट करवाया, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिखाए, असेंबली प्लांट दिखाया। वहाँ से फिर हम वापस आए और फिर ये सारा टूर तकरीबन 1.5 घंटे का टूर था। तफसीलात जो है वो फिर किसी और ब्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। तो जब वापस आए तो हमें सीधा दोबारा उसी जगह पर लेकर आए। वहाँ पर हमने एक तकरीबन आधे घंटे का क्वेश्चन आंसर सेशन किया। वहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से रिफ़्रेशमेंट्स हमें सर्व की गई, सूप भी था और साथ कुछ चिकन विंग्स और चिकन नगेट्स वगैरह भी थे। तो कहना मैं चाहूँगा कि होंडा एटलस कार्स बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा और वहाँ के लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से हॉस्पिटैलिटी जो है वो उसका मुजाहरा किया और वो बहुत ही नॉलेजेबल लोग हैं, वहाँ के बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक एक प्रोसेस की डिटेल में जाकर हमें सब कुछ बताने की तरफ गए। स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने बहुत डिटेल में 1-to-1 भी उनके क्वेश्चन के आंसर दिए। तो मैं आप सब लोगों को भी दावत दूंगा कि आप लोग ज़रूर जो है वो इस कंपनी को विज़िट करें जब भी आपका यानी कि मौका ऐसे आपको मिले। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सर।